मेरे पीछे आपको रिलायंस का चार्ट दिखेगा। अब ये चार्ट लॉन्ग टर्म चार्ट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2000 से लेके 2017 तक का ये चार्ट है, तो हम पीछे जा चुके हैं 2017 में। अब ये चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है, ये 575 के लेवल पे है। अब ये चार्ट जो है ये प्राइस एडजस्टेड चार्ट है बोनस के लिए, तो ये 575 का एक लेवल है यहाँ पे, जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इस स्टॉक के लिए 2009 से लेके 2016 तक, एग्जैक्ट अगर देखें तो फरवरी 2017 तक। तो 7 साल ये स्टॉक ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, 575 की लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स, और उसके बाद में 7 साल बाद इस स्टॉक ने ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट जनरेट किया, और ये जनरेट हुआ फरवरी 2017 में। तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे मल्टीपल टॉप मल्टीपल ईयर रेजिस्टेंस बना हुआ था जो इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टॉक मूव हुआ है। तो ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है फरवरी 2017 का, उसके बाद आप देख सकते हैं अगले 1 साल में ये स्टॉक सीधा डबल के आसपास बढ़ चुका है, यानी 80 से 90% का रिटर्न उसने जनरेट किया 1 साल के अंदर। उससे भी ऊपर जा चुका है रिलायंस, आपको भी पता है, लेकिन 1 साल में ये स्टॉक 600 से 950 तक ये बढ़ गया। तो इतनी ताकत होती है इस पैटर्न में, ये है मल्टीपल ईयर मल्टीपल टॉप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। है रिस्क और रिवॉर्ड दोनों जहां, मैं बात शेयर मार्केट की सुनाता हूं, टेक्निकल एनालिसिस की साधना करता हूं, आपको सफलता दिलाना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि मल्टी बैगल स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हो, ऐसे स्टॉक्स कि जो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करके दे, और ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के बहुत सारी आइडियाज है। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने के लिए बहुत सारी आइडियाज है कि जो आप यूज कर सकते हैं। आप मल्टी बैगर स्टॉक्स बॉटम में भी सर्च कर सकते हैं, और आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई लेवल्स पे भी पकड़ सकते हैं। ये सारी आइडियाज मैंने मेरी जो किताब है ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, इसमें सारी डिस्कस की है। तो आप अगर ये किताब पढ़ते हैं तो आपको ये सारे आइडियाज पता भी चल जाएंगे। अगर नहीं, आप हमारा अगर कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं तो उसमें से भी आप ये सारी आइडियाज सीख सकते हैं। इससे पहले आपने ये मेरा वीडियो भी देखा होगा, ये है स्टॉक मल्टीबैगर यूजिंग MACD, यानी आप अगर बॉटम पे अगर एक स्टॉक मिस कर चुके हो और वो स्टॉक अब ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो क्या मैं वो मल्टीबैगर पकड़ सकता हूं? हाँ जरूर, ये आप वीडियो देखिए, इससे आपको आइडिया मिलेगी कि आप ऑल टाइम हाई लेवल पे एक मल्टीबैगर किस तरीके से पकड़ सकते हैं। ये जो वीडियो है ये इस सीरीज का अगला वीडियो है, इसमें हम मल्टीबैगर ढूंढने वाले हैं मल्टी ईयर मल्टी टॉप ब्रेकआउट, ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के। तो ये स्टॉक्स आपको एक मल्टीबैगर दिला देंगे आपके पोर्टफोलियो में, और वो भी ऑल टाइम हाई लेवल वाला स्टॉक जो आगे जाके और बढ़ेगा और एक मल्टीबैगर बन जाएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमने रिलायंस का एग्जाम्पल देखा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें किस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टॉक्स आपके मशीन पे खुद एनालाइज करें, इसी तरह जिस तरीके से मैंने आपको रिलायंस दिखाया है उसी तरह आप ये चार्ट्स जो है ये स्टॉक्स के ये देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितनी बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी होती है और इसे आपने मिस नहीं करना है। अब ये है आपके लिए होम स्टडी, ये स्टॉक्स और ये लेवल्स आपने चार्ट ओपन करना है आपके मशीन पे। पहला है वर्लपूल, ओपन कीजिए, 66 के लेवल पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है, और कब का चार्ट देखना है तो जुलाई 2009 का चार्ट देखना है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिए, ये सारे चार्ट्स आपने मंथली टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करने हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला पैटर्न है ये मल्टीबैगर वाला। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप जाते हो तब आपने
मंथली चार्ट ट्रैक करना होता है, क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करने वाला है। तो मंथली चार्ट एनालाइज कीजिए। पहला वर्लपूल है 66 के लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कीजिए। जुलाई 2009 में इसमें इनविटेशन बना है और उसके बाद ये स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया ये आप चेक कीजिए। दूसरा है थर्मोलाइट केमिकल, 29 का लेवल है, जून 2016 में ट्रैक करना है। तीसरा है रेन इंडस्ट्रीज 55, और जैन 2017 में ट्रैक करना है। और ये सारे स्टॉक्स, लेटेस्ट वाला स्टॉक है सुविन लाइफ, 17 के लेवल पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है। और जैन 2020 के बाद ये स्टॉक किस तरीके से मूव हुआ है ये आपने स्टडी करना, स्टडी जरूर कीजिए। ये करने से आपको ये पैटर्न और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब तक हमने ये पैटर्न मल्टी टॉप मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है ये समझ लिया और स्टडी भी कर लिया। आपने देखा किस तरीके की एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी बनती है, ये पैटर्न बनता है तब। अब देखते हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस पे आपने ध्यान देना जरूरी है, और वो अपॉर्चुनिटी है भारतीय एयरटेल। अब मेरे पीछे आपको भारतीय एयरटेल का मंथली चार्ट दिखेगा, लॉन्ग टर्म चार्ट है, 2002 से लेके अब तक का ये चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, ध्यान में रखिए। और ये पैटर्न आपने मंथली चार्ट पे है ट्रैक करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। अब ये चार्ट देखिए, ये 565 के लेवल पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है। आप देख सकते हैं 2008 से लेके अब तक ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे 2008 में टॉप बनाया, यहाँ पे फिर से एक बार आया, तब यहाँ पे एक टॉप टॉप बन चुका है 2017 में, 2019 में फिर से एक बार टॉप बना, और अब वहीं पे स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे, रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये स्टॉक पे आपने ध्यान देना जरूरी है। 2008 से लेके 2020 यानी 12 साल का ये रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। 12 साल बाद अगर ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो उसके बाद क्या होगा ये मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक आपने ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अब ध्यान रखिए, पहला जो ब्रेकआउट आता है वो डेली चार्ट पे आता है, दूसरा वो आपको दिखता है वीकली पे, और मंथली चार्ट कंप्लीट होने के लिए 1 महीना होता है, तो 1 महीने का जो कंफर्मेशन है वो बाद में आता है। इसलिए ये जो लेवल है ये डेली चार्ट पे पहला ट्रैक कीजिए। आप अगर पोजीशन बनाते हो तो ध्यान रखिए कि 565 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो डेली चार्ट पे पोजिशनल ट्रेड एक बना सकते हैं, जब कब ये स्टॉक इसके ऊपर चलता है स्टॉप लॉस उसके नीचे रहेगा, अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करता है तो पोजीशन होल्ड कीजिए। मंथली चार्ट पे अगर ये आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये ब्रेक हो चुका है 12 साल बाद, और वो भी बढ़िया वैलिडेशन के साथ, तो आप आपकी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन डेली में अगर ये स्टॉक इसके नीचे चलता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, आपने स्क्वेयर ऑफ करना है, क्योंकि हमारा व्यू उस केस में फेल होता है। फाइनल कंफर्मेशन कब है? फाइनल कंफर्मेशन ये मंथली क्लोजिंग पे है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है। यानी इसके जो रिजल्ट्स है, जैसे आपने होम स्टडी किया और आपने देखा स्टॉक्स में किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं, उस तरीके का अगर इस स्टॉक में अगर रिजल्ट देखना हो तो वो 1 महीने में नहीं आने वाला है, वो अगले 6 महीने में, 1 साल में आने वाला है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है, धीरे धीरे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद, ये ध्यान में रखिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस पे हमने वॉच करना जरूरी है, जब कब ब्रेकआउट होगा तब एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। आपको अगर सीख के समझ के स्टॉक मार्केट में काम करना हो तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है आपके लिए, उसे रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक अब यहां पे आ जाएगा। आप डे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ये जो ट्रेनिंग होते हैं ये फ्री भी होते हैं और पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप फ्री और पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको जो सही लगे वो बेहतर होगा। फ्री पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं उसमें आपको नॉलेज 100% मिलता है, ये गारंटी है,
और जो पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, ये जो होते हैं इसमें नॉलेज तो आपको मिलता ही है, आपको टूल्स भी मिलते हैं जिससे आप प्रॉफिट कर सकते हो मार्केट में। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट मिलता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप कभी भी कॉल करके आपकी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैंड होल्डिंग आपके आपके लिए होता है। जब तक आपका प्रोग्राम वैलिड है तब तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, हाथ पकड़ के रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपको सक्सेस मिले। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम मी, डिस्कस विथ मी, ये जो है मेरे तरफ से आपको सीधी अपॉर्चुनिटी के अपडेट्स मिल जाती है। आपको अगर कुछ डिस्कस करना हो तो आप सीधा मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पेड प्रोग्राम्स में। बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइंड अप है, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, जो लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो लिंक विजिट कीजिए और रजिस्टर कीजिए। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि खुद गलती कर लो और खुद सीख लो, लेकिन ध्यान में रखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लर्निंग बाय मेकिंग मिस्टेक्स इन द स्टॉक मार्केट इज अ बैड आइडिया। ये आपका फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल तीनों हेल्थ खराब कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जाम सांडेकर।